बाजरे का चिकनाव देना है, बनाएंगे कैसे बना रहे हैं आपको बताएंगे। ये बाजरे का चिकनाव है व्यूअर्स, एक पाव बाजरा ले लेना है आपने, ठीक है व्यूअर्स। एक पाव बाजरा लेके उसके बाद व्यूअर्स ये मक्खन आपने ले लेना है, आधा मक्खन 50 ग्राम से मतलब 25 ग्राम मक्खन ले लेना है आपने। नहीं, सौ 25 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम है व्यूअर्स, 100 ग्राम का आपने 50 ग्राम मक्खन ले लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसे पिघाल के इसके बाजरे के अंदर डालना है, ठीक है व्यूअर्स, पिघाल लें इसको। तो ये बाजरे का चिकनाव जो है बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है कबूतर के लिए, तो इससे कबूतर जो है ज़्यादा गोल भी नहीं घूमता है और अच्छा हो जाता है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके लिए बाजरे का चिकनाव लगा रहे हैं। जब आपकी कुश्तियाँ चल रही हों व्यूअर्स, जब आप कबूतर लड़ा रहे हो, तो आपने हफ्ते में दो तीन जो है चिकनाव बाजरे के ज़रूर देने हैं, क्योंकि बाजरे के चिकनाव से बहुत ही फ़ायदा होता है कबूतरों को। तो मक्खन हमारा पिघल चुका है व्यूअर्स, तो मक्खन को जो है एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने एक कटोरी में मक्खन निकाल लेना है। तो फिलहाल ये गरम होगा व्यूअर्स, गरम का क्या है तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने ले लेना है खमीरा, खमीरा मरवरी, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इसका आपने एक चम्मच भर के जो है ये ऑयल में डालना है, घी में मक्खन में डालना है। मक्खन गरम होगा, आपने एक चम्मच भर के मक्खन में डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से बड़ा चम्मच लेना है आपने व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आपने गरम मक्खन में जो है इसको हल कर देना है। तो ये टाइम लगेगा लेकिन आपने हल करना है, ठीक है व्यूअर्स। तो हम हल कर लें उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आपने मक्खन जो है गरम रखना है, गरम जैसे ही करके आओगे आप मक्खन, तो उसमें आपने हल कर लेना है इसे, क्योंकि ठंडे मक्खन में ये हल नहीं होगा। इसके लिए आपने मक्खन जो है गरम रखना है, जब गरम करके आएंगे आप तो ये इसमें खमीरा आप एक चम्मच भर के इसमें मक्खन में जो है आपने हल कर देना है। तो देख सकते हो ये इसी तरीके से हल हो जाएगा, बिल्कुल हिलाते रहोगे आप ये हल हो जाएगा। तो व्यूअर्स उसके बाद आपने 25 एक दखनी मिर्च ले लेनी है, 25 एक दखनी मिर्च लेके आपने उसका अच्छे से पाउडर बना लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो 25 एक दखनी मिर्च लेके आपने उसका पाउडर बना लेना है। और ये चिकनाव जो है बहुत ही जानदारी चिकनाव है, इससे कबूतर जो है बिल्कुल अच्छा काम करेगा। जैसे आप उड़ाओगे कबूतर अच्छा उड़ेगा, और दखनी मिर्च को जो है कबूतर को करंट देती है व्यूअर्स, करंट का मतलब थोड़ा उठाती है कबूतर को, तो इसके लिए उठाती भी है और दिमाग भी कबूतर का तेज़ करती है, ये दोनों चीज़ यही करती है व्यूअर्स। और खमीरा जो है कबूतर को ताकत देता है, जो अंदर से जिस्म उसका जो है भर देता है, तो उसको भूख इतनी नहीं लगती कबूतर को, तो इसके लिए। और जो है बाजरा, इसके लिए बाजरे में दे रहे हैं ताकि कबूतर जो है पल ना मारे और उठे और सीधा जाए, कुश्ती मारे और सीधा वापस आ जाए घर पे। तो इसके लिए खमीरा जो है ये बाजरे में चिकनाव लगाते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आपने चिकनाव बनाना है, और हफ्ते में 2 चिकनाव आप अपने कबूतर को लगाते रहें, ठीक है व्यूअर्स। 2 चिकनाव लगाएं, फिर उसके बाद पानी लगाएं। पानी भी मैंने बहुत से अपलोड किए हुए हैं, आप कोई भी अच्छा एक पानी उठा के, पानी जो पानी आप लगाना चाहो सब पानी लगा सकते हो उसके बाद व्यूअर्स। आपने ये दखनी मिर्च का मसाला जो है आपने पाउडर करके इसको जो है इसमें हल कर देना है, आपने मक्खन में डालना है। मक्खन में डालने से क्या होगा, ये मसाला जो है पूरा अच्छे तरीके से ये मक्खन में हल हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। आपने मक्खन में डाल के इसे हल कर लेना है। इसी तरीके से आप देख सकते हो मक्खन में जैसे हमने मसाला डाला और मिक्स कर रहे हैं, इसी तरीके से आप बनाएं, और इसी तरीके से जैसे हम बनाते हैं इसी तरीके से बनाएं और अपने कबूतर को दें। इंशाल्लाह कबूतर आपका अच्छा काम करेगा और आपको मज़ा भी कराएगा, इंजॉय भी कराएगा। तो इसके बाद व्यूअर्स आपने 2 इलायची ले लेनी है, 2 इलायची लेके इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। दाने काले होने चाहिए, दाने जो है काले होने चाहिए व्यूअर्स। तो आपने इलायची अच्छी इस्तेमाल करनी है, ठीक है व्यूअर्स।
इलायची जो है कबूतर को थोड़ा ऊंचा भी करेगी और कबूतर को मतलब दरमियान में रखेगी, इतना ज़्यादा भी ऊंचा नहीं करेगी, हवा को दबाएगा, थोड़ा मतलब हवा को दबाएगा भी और कबूतर जाएगा भी, कुश्ती भी मारेगा, और इसके लिए ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से आपने इसका भी बॉर्डर बना के जो है इसमें हल कर देना है और अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, लाची का भी हमने पाउडर बना लिया है, पाउडर आपने अच्छा बनाना है और लाची पाउडर बना के आपने इसको भी जो है मक्खन में ही हल कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, मक्खन, खमीरा, दखनी मिर्च और लाची, व्यूअर्स ये तीन चीज़ का इसमें हो गया है पाउडर। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने इसको हल करना है। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने जो है एक चुटकी हल्दी ले लेनी है जो खाने में इस्तेमाल होती है, घर के खाने में एक चुटकी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है व्यूअर्स, एक चुटकी आपने हल्दी इसी जो है ऑयल में डाल देनी है और ये हल्दी जो है जो घर पे आपने इस्तेमाल करते हैं खाने में, ये वो हल्दी है। ठीक है व्यूअर्स, आपने वो हल्दी इसमें डालनी है। एक चुटकी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है और मिक्स करना है ताकि ये चुटकी इसके लिए हमने डाली है ताकि आप कबूतर जब लड़ा रहे होंगे, कबूतर उठेगा, जिधर भी कबूतर देखेगा जाके घुस जाएगा, कबूतर एकदम जाके घुस जाएगा। और आपने जो है ये सारी चीज़ें जो है बाजरे में हल करके और अच्छे से बाजरे में मिक्स करना है। ठीक है व्यूअर्स, आपने ये सारा मसाला जो हमारा रेडी हुआ है आपने इसे जो है अच्छे से बाजरे में जो है हल कर देना है और इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपका कबूतर देखो कैसे उठता है और जाता है कुश्ती करता है व्यूअर्स। और वीआईपी खेल है व्यूअर्स, और हफ्ते में आप दो खेल ये लाजिम लगाएं कबूतर पे ताकि आपके कबूतर को जो है भराई में रह जाए कबूतर और अच्छा काम करे। और इसके बाद आप पानी भी लगाएं और ये खेल जो है 40 कबूतरों का खेल बता रहे हैं व्यूअर्स, 40 कबूतरों पे आपने लगाना है एक पाव बाजरा। ठीक है व्यूअर्स, 40 कबूतरों का खेल बता रहे हैं। तो आपने ये कब देना है, आप बना के इसे 2 घंटा 2.5 घंटा पहले या 3 घंटा पहले आपने बना के इसे रख लें और जब कबूतर खोलें आप उड़ाने के बाद इसको आराम से फिर शाम को तावे कराने के बाद अपने कबूतर को दे दें या सुबह तावे कराने के बाद कबूतर को दे दें। तो इससे क्या होगा, कबूतर आपका अच्छा परफेक्ट हो जाएगा और अच्छा काम करेगा। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स आप बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है, इसे चम्मच से इसे निकाल के और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। बाजरे में एकदम थोड़ी लेस आ जाएगी आपके और चिपकपन भी हो जाएगा बाजरा, और आपने जो है ये कबूतरों को दें, इससे कबूतर जो है लड़ता भी रहेगा। और इसके बाद आप पानी लगाएं कबूतर को, जो पानी आपको अच्छा लगे आप वो पानी लगाएं, जो पानी आप लगाते हो या हमने भी बहुत से पानी अपलोड किए हुए हैं वो पानी भी देख लो, जो पानी आपको समझ आए अच्छा पानी लगाना कबूतर को। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से ये बाजरा हमारा बनके चिकना और रेडी हो गया, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप जल्दी बना के रख लेना और कबूतर को दे दें, और इससे कबूतर में जान जो है कम नहीं होती, जान बनती रहती है कबूतर की। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत से भाइयों की कमेंट सी के व्यूअर्स आपकी छत बन गई है, तो इंशाल्लाह बन रही है, आज हमारी छत डलेगी इंशाल्लाह। कुछ दिनों से हम कबूतर नहीं खोल रहे और बिजी भी बहुत हैं क्योंकि काम कर रहे हैं घर का। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह हमारा घर का काम हो जाए, छत भी हमारी आज इंशाल्लाह डल रही है, आज हमारी छत डल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, बस आप भाइयों की दुआ चाहिए इंशाल्लाह।